बीजेपी सांसद और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का धरना जंतर मंतर पर एक महीने से चल रही है। इसी बीच ब्रजभूषण शरण सिंह ने फिर से विवादास्पद बयान देकर माहौल गर्मा दिया है। महाराणा प्रताप की जयंती समारोह पर मऊ में एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि प्रदर्शन कर रहे पहलवान आज तक नहीं बता पाए कि कब हुआ, क्या हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ। ये जो मुकदमा है वो बैड टच एवं गुड टच का है, ये छुआछूत का मुकदमा है। विनेश फोगाड़ को उन्होंने मंथरा और कैकई कह डाला। ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि जैसे मंथरा और कैकई ने रोल प्ले किया था वैसे ही विनेश फोगाट प्ले कर रही है, वे मेरे लिए मंथरा बनकर आई हैं। इस पर विनेश का कहना है कि ब्रजभूषण महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, छुआछूत की बात कर वे क्या कहना चाहते हैं? उनके घर में भी माँ बेटी और लड़कियां हैं, अगर वे टीवी पर ऐसी बात करते हैं तो सोचिए बंद कमरे में कैसी लड़कियों के साथ बर्ताव करते होंगे। पहलवानों ने नार्को टैक्स की भी मांग की है। इस पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं नार्को टैक्स के लिए भी तैयार हूं, लेकिन विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का भी नार्को टैक्स हो। गौरतलब है कि विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया सहित कई पहलवान 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। खेल मंत्रालय ने इसके लिए कमेटी का गठन किया लेकिन काम नहीं बन पाया।